जितनी भी महंगाई हो जाए कोई मसला नहीं है, रिज़्क़ का वादा ऊपर वाले ने किया है। तुम लोग रोटी के पीछे मत भागा करो, रोटी खुद तुम तक पहुंचेगी। तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोटी खुद तुम तक पहुंचेगी। हाँ है? रोटी खुद ब खुद पहुंच जाती है, फिर कमाने की क्या जरूरत है। आज ऐसा करता हूँ, मौलवी साहब की बात को आजमाता हूँ, जंगल निकल जाता हूँ, देखता हूँ जंगल में रोटी खुद चल के कैसे आती है। आज फिर मौलवी साहब की बातों को आजमा के देखता हूँ। ये जंगल ठीक है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब देखता हूँ रोटी कैसे चल के आती है। पांच घंटे गुजर गए हैं, अभी तक ना रोटी आई है ना ही कोई बंदा आया है। एक तो यार ये मच्छरों ने जलील किया हुआ है। शाम हो गई है, ना कोई रोटी आई है ना कोई बंदा आया है। अब तो भूख से भी बुरा हाल है। मैं तो कहता हूँ घर निकल जाना चाहिए, लेकिन यार मौलवी साहब की बातों को आजमा के जाऊंगा। उन्होंने कहा था रोटी हर हाल में आप तक पहुंचती है। बैठा हूँ मैं अभी सुबह तक। लगता है ये कोई मुसाफिर है, कहीं से सफर करके आ रहा होगा, यहीं आके बेचारा सो गया है। मुसाफिर नहीं हूँ, जानबूझ के आया हूँ जंगल में। अब तो बहुत भूख लगी है, रात होने वाली है, मैं भी इधर ही बैठा हूँ, मौलवी साहब की बात को आजमा के जाऊंगा। बेचारा मुसाफिर भूखा होगा, इसको रोटी दे के आता हूँ। रात होने वाली है, ये जंगली दरिंदे मुझे चीर फाड़ ना दें। इनसे बचने का एक ही तरीका है, इस दरख्त पे चढ़ जाता हूँ। अब तो भूख से उठा भी नहीं जा रहा। कम से कम यहाँ जंगली जानवरों से तो महफूज रहूंगा। रोटी का टाइम तो हो गया है, रोटी क्यों नहीं आई? मुसाफिर कहाँ गया, अभी तो यहीं लेटा हुआ था। मुसाफिर तुम कहाँ हो, तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। मुसाफिर क्या तुम यहीं पर हो? ये तो सचमुच में रोटी आ गई है। मौलवी साहब ने कहा था तुम जहाँ कहीं भी होगे रोटी तुम तक खुद पहुँच जाएगी। मैं अभी चुप करके बैठा हूँ दरख्त पे, रोटी यहीं दरख्त पे पहुँच जाएगी। मुसाफिर क्या तुम यहीं पर हो? यहीं पर हो तो आ जाओ, तुम्हारे लिए रोटी लेके आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा था तुम दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हो रोटी तुम तक वहीं पहुँचेगी। मैं भी यहीं बैठा हूँ, ऊपर आएगा रोटी देने। लगता है मुसाफिर अपने सफर पर चला गया है, उसकी अपनी किस्मत, मैं अब घर जाता हूँ। हैं? ये तो वापस जा रहा है, मैं तो भूख से मर जाऊंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हैं? ये किसकी आवाज है? इधर इधर। मुसाफिर तुम ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए रोटी ले आया हूँ। हाँ, वो जंगली जानवरों को डर से ऊपर चढ़ गया था मैं। अच्छा ऐसा करो, नीचे आ जाओ और खाना खा लो। शुक्रिया भाई, बहुत भूख लगी थी। खा लो खा लो। शुक्रिया भाई, बहुत मजा आ गया है। अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह अपने सफर को चले जाना। नहीं भाई, मैंने अभी जाके एक मौलवी साहब को मिलना है। अल्लाह हाफिज। जी भाई। मौलवी साहब घर पे हैं? हाँ। बुलाओ उनको। खैर तो है इतनी रात को? हाँ हाँ बुलाओ तो सही। कौन है भाई? मौलवी साहब आपने सुबह तकरीर में कहा था रोटी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो रोटी खुद ब खुद आप तक पहुँच जाती है।
हाँ हाँ मैंने कहा था। कम से कम बात पूरी तो बताया करें। बेशक ऊपर वाले की जात सब तक रिज्क पहुंचाती है, लेकिन उस रिज्क को हासिल करने के लिए इंसान को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी हलचल करनी पड़ती है। आज अगर मैं खांसी ना मारता मैं तो भूखा मर जाता। बात पूरी बताया करें। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये समझाना है कि अल्लाह पाक भी उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक भी उनका साथ देते हैं और उनकी मेहनत कभी जाया नहीं होती। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा हो।